हम यहाँ पे अकेले क्यों आए? क्या करेंगे, बूढ़े उठे हैं, मुझे लेते रहेंगे और क्या करेंगे। बच्चों को लेके आने में क्या प्रॉब्लम थी? बच्चों को क्या लाना, बच्चे बड़े हो गए। देखो ये पता है, ये वीडियो बच्चे देखेंगे ना तो फिर वो गुस्सा करेंगे, हमें क्यों नहीं लेके गए थे। तो बच्चे जाते हैं कहीं अपने दोस्तों के यहाँ, तो हम जाते हैं कि हमें लाद के लेके जाते हैं। ये बात तो खैर सही है बिल्कुल। खुशी देखी, खुशी देखेगी ना इस वीडियो को, पता गुस्सा करेगी बहुत ज़्यादा कि अकेले अकेले घूमते रहते हो, हमें नहीं लेके आते। हम यहाँ पे आए हैं डोसा खाने के लिए, डेट पे आए हैं हम दोनों, डेट पे। हाँ सब लोग ना बड़ी गौर से देख रहे हैं, बुजुर्ग ये बुढ़िया बुढ़े डेट पे आए, बुढ़िया बुजुर्ग दंपत्ति, बुजुर्ग दंपत्ति नहीं। लेकिन अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, अब हम घूमने भी जाया करेंगे अकेले, बच्चों को घर छोड़ के, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और कल भी हम बच्चों को घुमाने के लिए ले गए थे, हम तो डेली डेली ज्यादातर घूमना आते ही बच्चों को। दोनों चढ़ जाएंगे देख के, बोले अच्छा होटल में गए थे। हाँ। और खुशी तो कह रही थी हमारे लिए भी ले आना कुछ। चलो कोई बात नहीं, तो अब हम लोग घुमा करेंगे ऐसे। नहीं अभी जा रही थी, चम्मच के बजाय चमचा पकड़ा दिया, देख लो कितना बड़ा। हाथ से खाओ, हाथ से, बड़े लोग हाथ से खाते हैं। बहुत ही यम्मी लग रही है। बच्चों के लिए हम लोगों ने ना बर्गर पैक करा लिया है ना, दो बर्गर पैक कराए ना, वेज बर्गर पैक करा लिया। बहुत ही यम्मी था डोसा, बहुत ही यम्मी था। बड़ा है। बर्गर पैक हो गए, फ्राई भी पैक हो गए बच्चों के लिए। क्या हो गई? फ्राई, फ्राई फ्राई मतलब, मतलब के फ्रेंच फ्राई बर्गर के साथ में देते हैं ना, तो पैक करा लिया हम लोगों ने। मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ और बच्चों के लिए हम लोगों ने पैक करा लिया, क्योंकि पता है अकेले अकेले खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बच्चों के लिए पैक करवा दिया। हम लोगों ने ना उनके लिए बर्गर पैक कराया है, वेज बर्गर, और उसके साथ में फ्राइज वगैरह उन लोगों ने खुद ही दिए। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने, क्योंकि बच्चों को ना यहाँ का बर्गर बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ का डोसा बहुत अच्छा लगता है, तो हम हमेशा बच्चों के साथ ही आते थे। बट अब हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि उनकी पढ़ाई है यार, उन लोगों को हम बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डेली जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, बट कार कार में ही घूमती रहती हूँ मैं, मतलब कहीं उतर के हम कुछ नहीं खाते, जो भी हमें खाना पीना होता है वो हम कार में ही खाते हैं। और ज़्यादातर हम लोग बच्चों को भी लेकर जाते हैं, बट अब क्योंकि वो लोग हमारे साथ जाना नहीं चाहते, बहुत गुस्सा करते हैं, मम्मी हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है, ये है, क्योंकि एक दो घंटे तो लग जाते हैं हम लोगों को ये घूमने फिरने में, तो डेली उन लोगों को नहीं लेके जा सकते। और कभी कभी के लिए भी वो मना कर रहे हैं, मतलब वो ये कहते हैं संडे टू संडे चला करेंगे, अदरवाइज बीच में बिल्कुल नहीं। तो मैंने सोचा चलो घर के लिए पैक करा लूँ, तो बच्चों के लिए मैंने घर के लिए पैक करा लिया। हम लोगों ने यहाँ पे डोसा खा लिया, हमारी एक बहुत अच्छी सी डेट हो गई। और पता है इतनी सारी बातें हम लोगों ने की, बच्चों के सामने नहीं कर पाते यार, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, कुछ भी, बहुत कुछ ऐसा जो हस्बैंड वाइफ बच्चों के सामने हम लोग नहीं कर पाते, मतलब खासतौर से किसी के बारे में हमें कोई बात करनी हो तो बच्चों के सामने नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता है, अच्छी बुरी जैसी भी कोई बात करनी हो तो। इसलिए जो है ना वो अकेले में आके ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे कि हम लोग घर भी चले जाते हैं, तो घर पे भी पता क्या होता है, घर पे भी बच्चे होते हैं, ज़्यादा खुल के कोई बात नहीं बोल सकते, क्योंकि बिल्कुल बराबर में उनका कमरा है, तो इसलिए ना थोड़ा सा लगता है। डेली इसीलिए घूमते हैं हम लोग गाड़ी में, बट ऐसे बैठ के बात करना बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इसी तरीके से यश के साथ
आया करूंगी दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि मैं बच्चों के बगैर कहीं भी जाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे हर जगह अपने बच्चे साथ में अच्छे लगते हैं, बट अब ऐसे भी घुमा करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। तो अभी घर चलते हैं और बच्चों को मिलते हैं और उन लोगों को बताते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया, फिर उन लोगों का रिएक्शन दिखाती हूँ मैं आपको। और पता है ये पता नहीं कैसे तिलमिल आ रही है इसमें कैमरे में, पता नहीं क्या हो जाता है। तुम्हारे लिए सरप्राइज। आ फिर तुम कहोगे कि मम्मी तुम तो बड़ी अच्छी हो, मेरा पर्स भी है, गाड़ी के साथ चला ले लेंगे, उधर से ले लेंगे। खाना क्या खाना? क्या खाना? कुछ नहीं खाना। क्या खाना? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। हेलो हेलो बेबी। तो फाइनली हम लोग घर आ गए। कैसा लग रहा है हमारा सरप्राइज? ओहो को मैं ना इस तरीके से खाना डाल देती हूँ मैं आने के बाद, नहीं तो ये बहुत पीछे पड़ा रहता है, बहुत ऊंचा ऊंचा कूदता है, तो ये आराम से वैसे चुन चुन के खाता रहेगा। देखो कोको उधर, कैसा लगा तुम्हें अपना सरप्राइज? देखो अच्छा। तो हम लोग लाए हैं इसके लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राई। तो हम लोग घर आ गए हैं। यो यो को अपना खाना खा रहा है। देखो ऐसे ऐसे खाता रहता है ये, उठा उठा के बिजी हो जाता है थोड़ी देर के लिए, वरना ये इतनी ऊंचा ऊंचा कूदता है ना कि उसमें आपको क्या बताऊं, सिर्फ लिपटने के लिए, गोदी में आने के लिए आराम से खाना खा रहा है। देखो बिजी हो गया थोड़ी देर के लिए, इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, फिर नहीं करता ये, परेशान बिल्कुल नहीं। इधर को रख तो दो पहले। क्या बर्गर, फ्रेंच फ्राई, मजा आ गया? कुछ मजा आ गया भाई, बच्चों को तो मजा आ गया। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्यों कोको, वीडियो को शेयर करना चाहिए ना। और कोको भी आ गया इनका बर्गर खाने के लिए। तुम लोग कोको के साथ बर्गर शेयर करोगे अपना? क्यों भाई, नहीं तुम मेरे बच्चे के साथ अपना बर्गर शेयर नहीं करोगे? मेरा छोना आया भूखा रहेगा क्या? ये देखो क्या खाता है छोना, सुबह से 4-5 मुट्ठी। बस बस, नो नो कोको नो, वो मेज पे जाके बैठना चाह रहा है तुम्हारे आगे। तो ये अपने बर्गर के साथ क्या कर रहे हैं, इसमें से सॉरी वेजिटेबल हटा दी, ये देखो प्याज व्याज सब हटा दिया। तू क्यों छुपा रही है, तू भी दिखा। और अब इसमें फ्रेंच फ्राई भर के खाएंगे, बताओ। मैं तो नहीं खा, बर्गर की भी ऐसी की तैसी मार दी। ऐसे पर अच्छा लगता है। बर्गर भी कह गया कि मैं कहाँ फंस गया हूँ इनके बीच में। ये देखो ये बड़ी सी बाइट। कोको सिट बैठ जाओगी, बस चुप बैठो बिल्कुल। ये देखो ये सबके सामने बैठता है ऐसे ही।